प्रधानमंत्री का स्वयं का बयान आ चुका है कि आप फिल्मों को लेकर विवाद उत्पन्न ना करें, फिर भी उसके बावजूद भी अगर आप किसी चीज को राई का पहाड़ बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इससे भारत देश का नुकसान होता है, भारत देश में कहीं आगजनी होती है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उससे भारत देश का नुकसान होता है। अंधभक्तों ने शाहरुख खान की फिल्म को इतना हाईलाइट करा दिया कि लोगों उसकी फिल्म की जो है एडवांस में बुकिंग कर रहे हैं, टिकटें नहीं मिल पा रही हैं लोगों को, फर्स्ट डे फर्स्ट शो की जो है टिकट नहीं मिल पा रही हैं, जो उसका जो प्रोमो है, जो उसका टीजर है, जो उसका ट्रेलर है, वो कई फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है, तो गौरव करना चाहिए। लेकिन आप लोग उसको नेगेटिव जरिए से देखते हैं। अब कुछ लोग उसमें कह रहे हैं कि वो तो मुसलमानों का देश है, वहाँ विदेश में चला रहे हो तुम। अरे भैया ये तो देखो कितने गौरव की बात है, आज से पहले चली है क्या किसी की? इतनी फिल्में आती हैं हॉलीवुड की, इतनी सारी फिल्में आती हैं जो आप लोग देखने के लिए भी जाती है। अभी एक हॉलीवुड की मूवी भी आई थी जिसका पार्ट सेकंड आया था कई साल बाद, वो तक नहीं चला, आप ये सोचिए बुर्ज खलीफा पे। हाँ, अवतार जो एक मूवी आई थी आपने देखा भी होगा। बहरहाल लेकिन आपको गर्व करना चाहिए कि शाहरुख खान की मूवी का वहाँ पोस्टर लग रहा है। लेकिन भी प्रज्ञा साध्वी प्राची कह रही है जिहादी को अपमान किया, जिहादी ने हिंदू। तो एक बात आप मुझे बताइए, सुन लीजिए, जिहादी का अपमान किया, एक बात बताइए, जिसको आप जिहादी कह रही हैं, कल उसी जिहादी को अंबानी अडानी के बेटे की जो सगाई समारोह में बुला रखा था, क्यों बुला रखा था? क्या अंबानी अडानी साहब हिंदू नहीं है? इस सवाल का जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपकी नजर में मोदी जी की कोई वैल्यू है या नहीं है? अरे पूरी वैल्यू है प्रधानमंत्री। अगर पूरी वैल्यू है तो मोदी जी तो मना कर रहे हैं, मोदी जी तो मना कर रहे हैं, फिर आप क्यों उफान मचाए फिर रहे हैं? ये जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं, ये भी बीजेपी से बनी हुई हैं, इनके ऊपर खुद के ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप लगा हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कभी भी बहन बेटियों के लिए नहीं बोलती। अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से महिला आयोग के अध्यक्ष को देश की राजधानी के अंदर घसीटा गया, आपने देखा होगा, क्या उसके लिए बोली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर? एक बेटी को नए साल के जश्न के दौरान घसीटा गया, क्या उसके लिए बोली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर? ये बताइए ना आप मुझे। ये जो स्मृति ईरानी है जो लगातार अपनी बेटी की आवाज उठाती है, अभी आप इनकी बेटी के ऊपर बात कर लीजिए, अपनी बेटी के लिए बोलने लगेंगी लेकिन देश की बहन बेटियों के लिए नहीं बोलेंगी। बताइए अगर स्मृति ईरानी बोली हो, बोली है क्या? अरे आप बोल रहे हैं, बोली हैं क्या? बोलते रहे हैं, भाषण उनका नहीं सुनते कि महिलाओं का सम्मान में भाजपा मैदान में लगातार जो हिंदुवादी संगठन कह रही है कि फिल्म को लगने नहीं देना है, मोहित शर्मा किसके साथ खड़े हैं? देखिए मैं जो हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ इस देश के अंदर जो बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है ना, क्योंकि मैंने जो है वो इन लोगों की तरह जो है मेरा दिमाग काम नहीं करता कि 24 घंटे देश के अंदर हिंदू और मुसलमान करें, 24 घंटे देश में दंगों का काम करें। नहीं, हमारी सोच थोड़ी अलग है, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फिल्मों के नाम पर लोगों को उलझा के रखे हुए हैं। इन लोगों का उद्देश्य है सिर्फ इस देश के अंदर फिल्मों के नाम पर दंगे कराना। मैंने आपसे कल भी ये बात कही थी और आज भी मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर इतनी ताकतवर ताकतवर कंट्रियां हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे फिर वो आपका और भी तमाम कंट्रियां हो, लेकिन किसी की भी फिल्म का ट्रेलर, किसी का भी ट्रेजर प्रोमो जो है वो बुर्ज खलीफा पर नहीं चलता। मैं तो कहता हूं कि अमेरिका के अगर किसी हॉलीवुड के एक्टर की औकात हो तो चलवा कर दिखा दे अपना ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर। मैं तो कहता हूं रशिया वाले की किसी की हो तो वो चलवा कर दिखा दे, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत देश की एक इतनी बड़ी इज्जत है कि पूरे विश्व में हमारे देश के लोगों को मान सम्मान, इज्जत और आदर दी जाती है। उसका कारण है हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता। और आपको तो गर्व करना चाहिए और आपको तो गौरव करना चाहिए, लेकिन आप लोग उसको नेगेटिव जरिए से देखते हैं। अब कुछ लोग उसमें कह रहे हैं कि वो तो मुसलमानों का देश है, वहाँ विदेश में चला रहे हो तुम। अरे भैया ये तो देखो कितने गौरव की बात है, आज से पहले चली है क्या किसी की? इतनी फिल्में आती हैं हॉलीवुड की, इतनी सारी फिल्में आती हैं जो आप लोग देखने के लिए भी जाते हैं। अभी एक हॉलीवुड की मूवी भी आई थी जिसका पार्ट सेकंड आया था कई साल बाद, वो तक नहीं चला, आप ये सोचिए। अवतार जो एक मूवी आई थी आपने देखा भी होगा। बहरहाल लेकिन आपको गर्व करना चाहिए कि शाहरुख खान की मूवी का वहाँ पोस्टर लग रहा है। लेकिन भी प्रज्ञा साध्वी प्राची कह रही है जिहादी को अपमान किया, जिहादी ने हिंदू। तो एक बात आप मुझे बताइए, सुन लीजिए, जिहादी का अपमान किया, एक बात बताइए, जिसको आप जिहादी कह रही हैं, कल उसी जिहादी को अंबानी अडानी के बेटे की जो सगाई समारोह में बुला रखा था, क्यों बुला रखा था? क्या अंबानी अडानी साहब हिंदू नहीं है? इस सवाल का जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपकी नजर में मोदी जी की कोई वैल्यू है या नहीं है? अरे पूरी वैल्यू है प्रधानमंत्री। अगर पूरी वैल्यू है तो मोदी जी तो मना कर रहे हैं, मोदी जी तो मना कर रहे हैं, फिर आप क्यों उफान मचाए फिर रहे हैं? ये जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं, ये भी बीजेपी से बनी हुई हैं, इनके ऊपर खुद के ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप लगा हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कभी भी बहन बेटियों के लिए नहीं बोलती। अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से महिला आयोग के अध्यक्ष को देश की राजधानी के अंदर घसीटा गया,
आपने देखा होगा क्या उसके लिए बोली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर? एक बेटी को नए साल के जश्न के दौरान घसीटा गया, क्या उसके लिए बोली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर? ये बताइए ना आप मुझे। मोहित शर्मा, आप चले आते हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के महिलाओं की बात, स्मृति ईरानी तो आवाज उठाई रही है ना। क्या उठा रही है स्मृति ईरानी आवाज? हाँ है, महिलाओं का सम्मान के लिए स्मृति देते रहती है। ये जो स्मृति ईरानी है जो लगातार अपनी बेटी की आवाज उठाती है, अभी आप इनकी बेटी के ऊपर बात कर लीजिए, अपनी बेटी के लिए बोलने लगेंगी लेकिन देश की बहन बेटियों के लिए नहीं बोलेंगी। बताइए अगर स्मृति ईरानी बोली हो, बोली है क्या? अरे आप बोल रहे हैं, बोली है क्या? बोलते रहे हैं, भाषण उनका नहीं सुनते कि महिलाओं का सम्मान में भाजपा मैदान में। बीमारी आपको लग चुकी है और ये एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। जब आपको तक लगी है बीमारी भाजपा का विरोध करने का, है आपने पत्रकारिता कहाँ से करी है जरा आप बताएंगे? बताएंगे आप मुझे? अरे हाथ में माइक ले लेने से, सुन लीजिए, जिस तरीके से हर खांसने वाला केजरीवाल नहीं हो जाता ना, उस तरीके से हर माइक उठाने वाला पत्रकार नहीं हो जाता, इस बात को समझिए। दूसरी बात ये कि मुद्दा ये नहीं है कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, मुद्दा ये है और बहुत गंभीर और संगीन मुद्दा है कि देश की राजधानी के अंदर लगातार बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है लेकिन महिला सांसद उनके ऊपर आवाज नहीं उठा रही है, और क्यों नहीं उठा रही है इस बात का जवाब दीजिए। लेकिन मोहित जी, जिस तरह आपका शाहरुख खान गैंग से इतना प्रेम क्यों जग रहा है आपका? एक बात आप मुझे बताइए, एक मिनट, खान गैंग से अभी एक बात मुझे बताइए, अंबानी अडानी साहब ने अपने बेटे की सगाई में उनको बुलाया तो उनका खान गैंग से प्रेम है? फिल्म का प्रमोशन थोड़ी कर रहे हैं आप, तो लगातार फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। मेरे को बुर्ज खलीफा चल रहा है। अब मेरी बात सुन लीजिए, अभी भी मैं जब आपसे बात कर रहा था, अब आप सुन लीजिए भैया, आपको किसी ने पैसा दिया है क्या? और दूसरी बात ये, मैंने महिलाओं के ऊपर बात करी, आपने देखा होगा जब ये पठान फिल्म का मुद्दा लेके आए तो मैंने महिलाओं की सुरक्षा पे बात करी, मैं रोजगार पर आया, मेरे को तो लग रहा है कहीं आप ही को पैसा मिला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आज तलक शाहरुख खान, अभी शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी आपने देखा होगा हैप्पी न्यू ईयर, वो बॉक्स ऑफिस पे इतना धमाल नहीं मचा पाई, लेकिन आप एक चीज ये देखिए कि इन अंधभक्तों ने शाहरुख खान की फिल्म को इतना हाईलाइट करा दिया कि लोगों उसकी फिल्म की जो है एडवांस में बुकिंग कर रहे हैं, टिकटें नहीं मिल पा रही हैं लोगों को, फर्स्ट डे फर्स्ट शो की जो है टिकट नहीं मिल पा रही हैं, जो उसका जो प्रोमो है, जो उसका टीजर है, जो उसका ट्रेलर है, वो कई फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। पैसा देकर प्रमोशन कराया जा रहा है? हां जी, पैसा देके, सब पैसा देके हो रहा है। तो ये जो केजीएफ है इसने पैसा देके प्रमोशन कराया? पठान 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 का कि तो आपको पैसा मिला है, मतलब आपको मिला तभी तो आप इतना बोल रहे पठान का समर्थन में। सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, किसी आप ना सड़क छाप आदमी से बात नहीं कर रहे हैं, जब बेतु का कोई एविडेंस कोई प्रूफ ना हो करे ना, तो ऐसा किसी दिन मानहानि का मुकदमा ठुकेगा ना कि घर के बर्तन और भांडे दोनों बिक जाएंगे। इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं? लगातार आपकी वीडियो आ रही है, फंस रहे हैं कि बुर्ज खलीफा पर दिखाई दे रहा है। अरे मैं तो कह रहा हूँ, अगर सुन लीजिए, आप जैसे लट्टू छाप की अगर औकात हो तो आप चलवा कर दिखा दीजिए अमेरिका वालों की, आपकी तो बहुत बातचीत होगी ना, आप चलवा दीजिए, चलवाइए ना आप मुझे। जब आपको वहां पर मोदी जी की सभा चल रही थी वहां से भगाया गया था, तब आपको अकल नहीं आई होगी? ये पत्रकार को देखा था ना, इतना अपमानित होते हो, आपके अपमान होने की खबर चलाई जाती है, आप जैसे लोगों ने बेड़ा गरक कर दिया है। आप टीका लगाने का ढोंग रचते हैं, सारा हिंदू विरोध कर रहा है, बागेश्वर धाम वाले बाबा भी विरोध कर रहे हैं। एक मिनट, इस भाई का जो है ना, इस भाई का ये लेकर माइक और इधर आइए। क्या नाम है आपके चैनल का? आपको बागेश्वर बाबा ने आपको फोन करके बोला है कि मैं मोहित शर्मा का विरोध कर रहा हूँ? नहीं नहीं, मोहित शर्मा और सुनिए, एक मिनट पहले सुनिए, दूसरी बात ये, आप होते कौन है, हु आर यू, आप बताएंगे मुझे? सनातनी नहीं है? अरे आप सनातनी है कि नहीं है? तो आप मुझे बताएंगे आप है कि नहीं है? ओ भैया सुन मेरी बात सुन, तू मुझे सर्टिफिकेट नहीं देगा कि मैं अपने माथे पे तिलक लगाऊं या नहीं लगाऊं, ठीक है ना? और तो एक मिनट, अरे चुप रहिए, हो गया ये है? तमाम हिंदू विरोध कर रहा है सनातनी हिंदू। अभी ये भाई है, सुन लीजिए, ये भाई आए, कहाँ से आए भाई आप? बाबा नगरी देवघर से आया हूँ। देवघर से आए और ये मेरे लिए एक तस्वीर लेके आए, दिखाइए जरा, ये तस्वीर किसके, जरा बताइए कौन है इस तस्वीर में? है ये देवघर की तस्वीर है, ये भाई झारखंड से चल के आए हैं मुझसे मिलने के लिए, और इस तस्वीर को इन्होंने भेंट स्वरूप मुझे दिया है। अब सुनिए, क्या नाम है आपका भाई? अनुराग आनंद। अनुराग आनंद इनका नाम है, आप कह दीजिए ये भी हिंदू नहीं है, कह दीजिए ना, वो आपको लोग ये, ये जो है ना, ये लट्टू छाप पत्रकार और ये दूसरा लट्टू छाप पत्रकार, पत्रकार जो नहीं बोल सकते मोहित शर्मा आपके ऊपर फिर कौन सा दाग लगा? आप एक मिनट, आप मेरे को बोल सकते हैं कौन सा? एक मिनट, आपने कौन सी पुस्तक, एक मिनट ये बताइए, टुकड़े टुकड़े गैंग से आप, एक मिनट कैमरा छोड़कर आइए ना, मैं बताता हूँ कौन सी गैंग से हूँ। ये सवाल जनता कर रही है आपसे। हाँ तो जनता के सवाल का जवाब दूंगा, आके अपना चेहरा तो दिखाइए, ताकि आप जब सुनिए, ताकि जब आप गली और मोहल्ले में उतरे तो आपका स्वागत जूते से भी किया जाए।
आप आइए तो, हाँ आइए तो, बोल रहे आइए तो आइए आइए ना इधर। आप चाहते कि आपको टैग लगाया जाए, बात करिए इधर आइए। आप पत्रकार जिहाद फैला रहे हैं, पत्रकार जिहाद भी टैग लगाया। कौन सा जिहाद आया? जैसे लव जिहाद होता है, पत्रकार जिहाद फैला रहे हैं आप। ये कहाँ से पढ़ाया आपने? ये ऐसे ये देखा कितने अनपढ़ जाहिल और गवार ये पत्रकार हैं। देखिए बहन बेटियों की, ये सुनिए, इन लोगों के पास मुद्दा घूम फिर कर सिर्फ यही चीज का है। बहन बेटियों को अभी भी सुनिए, मैं आपके वीडियो वायरल हो रहा है, ये देखिए हंस रहे शाहरुख खान के लिए कि मेरा भाई है, बुर्ज खलीफा में फिल्म चल रहा है। बोलिए, पहले आप सारे मिल के बोल लीजिए, बोल लीजिए आप पहले बोल ही लीजिए ना। नहीं बोलिए, नहीं बोल लीजिए। इतना खुशी क्यों मना रहे थे? बोलने का काम आपका, एक मिनट हमारा नहीं है। सुन लीजिए, खुशी मना रहे थे, एक मिनट। मैंने कौन से बर्थडे केक कटवा दिया जो मैं खुशी मना रहा हूँ? बोला अंधभक्तों को क्या क्या बोल रखे है ना, कुछ बोले है ना? क्या बोले बताइए ना, जरा बोल के बताइए। अंधभक्त बाइकॉट कर रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं। ये कब बोला मैंने? अभी तक बोला है? बोले मैंने अभी नहीं। 6 टिकट बुक करवा रहे ना आप, आपका तमाम वायरल हो रहा है। कहाँ पे वायरल हो? एक मिनट, कहाँ पे? सब जगह। अभी ये मेरे पास फोन है, सब जगह। बताइए कहाँ पर हो रहा है वायरल, बताइए जरा। यूट्यूब पे या ट्विटर पे? इन्होंने बोला ट्विटर पे, बताइए। चुप चुप रहिए, ट्विटर पे किसने डाला है बताइए नाम। अरे अब मैं अभी वीडियो दिखा रहा हूँ, अगर दिखा दिया वीडियो फिर क्या करोगे? तो कुछ नहीं करूंगा। आप मेरे पास जो जूता है वापस से पैर में पहन लूंगा। आप जवाब है नहीं सर, नहीं जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं है। छह टिकट में तो 12 भी बुक कराऊंगा, मेरी मर्जी है। डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता हूँ, आपसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान है। और मेरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे देश का संविधान मुझे अधिकार, मेरे देश का संविधान, सुनिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान आपको आजादी देता है नहीं देता है? जूता मारने का आजादी तो नहीं देता। मैंने जूता मारने की बात कब कही? जूता हाथ में है, जूता हाथ में है भाई। मैंने तो मेरे हाथ में तो देवघर की तस्वीर है, जूता तो पैर में होता है। आप हाथ में पहनते होंगे, ये जो पत्रकार जिहाद वाला ये पहनता होगा जूता हाथ में, कभी किसी को देखा जूता हाथ में पहने हुए? ये जूता हाथ में पहनता होगा। मोहित शर्मा है, डर रहे हैं क्या? मैं कहाँ डर रहा हूँ, आपके आप भूत भूत है। बजरंग दल वाले तैयार बैठे हुए हैं। तो बजरंग दल वाले ने आपका एक आज का लक्ष्य लगाया है क्या? आपके आग लगाएंगे, पोस्टर फाड़ेंगे कह रहे हैं वो लोग। तो आग लगाने से किसको नुकसान होगा? भारत देश की संपत्ति को होगा। आप पत्रकार हैं, कम से कम कुछ ऐसा निर्णय दीजिए, आप समझाइए लोगों को सामने आके कि अगर आप कहीं आग लगाते हैं, आपका सवाल सरकार से होना चाहिए, आपका सवाल सेंसर बोर्ड से होना चाहिए। आप सेंसर बोर्ड के आगे प्रश्न करिए। प्रश्न करना इस देश के अंदर हर एक व्यक्ति का एक लीगल राइट है। पहले बोलने दीजिए। आप बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे हैं? या आपको सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए कुछ? एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ इन लोगों का उद्देश्य क्या है। कुछ पत्रकार इनमें ऐसे, मैं कुछ कह रहा हूँ, सबका नाम नहीं लूंगा, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो एक अभी व्यक्ति बोला था पत्रकार जाए। इन लोग पत्रकारों का उद्देश्य होता है सामने वाले व्यक्ति को उग्र करना और अपनी टीआरपी को बटोरना, जबकि हम लोग चाहते हैं कि कुछ एक ऐसा निर्णय निकले ताकि देश के अंदर फिल्में भी रिलीज हो, मूवी भी रिलीज हो, कोई आगजनी ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपना कार्य करें। कहने का मतलब यह है, किसी व्यक्ति की अगर इच्छा हो तो वो फिल्म को देखे और इच्छा ना हो तो फिल्म को ना देखे। लेकिन दूसरी बात यह कि अब आता है जब बात आहत की आती है, तो मैं सिर्फ एक यही सवाल करता हूं कि अगर आहत किसी की भावना होती है तो देश के अंदर प्रेसिडेंट होता है, यानी राष्ट्रपति होता है, फिर प्रधानमंत्री होता है। आप राष्ट्रपति को लेटर लिखिए, प्रधानमंत्री का स्वयं का बयान आ चुका है कि आप फिल्मों को लेकर विवाद उत्पन्न ना करें। फिर भी उसके बावजूद भी अगर आप किसी चीज को राई का पहाड़ बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इससे भारत देश का नुकसान होता है, भारत देश में कहीं आगजनी होती है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उससे भारत देश का नुकसान होता है। पहले आप सुन लीजिए, तो आप है, मैंने टिकट बुक कर रहे हैं तो इसमें उकसा क्या दिया? भाई मैं जब 6 व्यक्ति देखने वाले हैं तो 6 ही टिकट बुक करूंगा। अब एक को तो घर में छोड़ के, तो 5 को तो घर में छोड़ के नहीं चला जाऊंगा। 6 व्यक्ति हैं तो 6 टिकट बुक करूंगा, सीधी सी बात है। फिल्म हिट होने वाली है ना? देखिए फिल्म हिट होती है या फ्लॉप होती है ये जनता की और दर्शक दीर्घा के ऊपर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।